क्रिकेट ऐसा खेल है जिसे हर कोई पसंद करता है। भारत देश के हर शहर के छोटे से छोटे मैदानों में, यहाँ तक कि हर गली मोहल्ले में खेला जाता है और देखा जाता है। यहाँ से बड़े बड़े क्रिकेटर भी निकलते हैं। उनमें से एक नाम है वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें प्यार से वीरू नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। वीरेंद्र सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को हरियाणा के एक संपन्न और संयुक्त परिवार में हुआ था। इनके पिता का अनाज का व्यापार था तथा माता गृहिणी थी। घर में इनकी बड़ी दो बहनें और एक छोटे भाई हैं। बचपन से ही खेल में दिलचस्पी होने की वजह से बहुत ज्यादा पढ़ाई वीरू ने नहीं की। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अरोरा विद्या स्कूल दिल्ली तथा जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज नई दिल्ली में ग्रेजुएशन किया। इनको बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। सबसे मजेदार बात यह कि जब वो मात्र 7 साल के थे तो सबसे पहले खिलौने के रूप में इनके पिता ने इनको बल्ला लाकर दिया था। एक बार जब वो छोटे थे तब क्रिकेट खेलते हुए उनके दांत टूट गए थे, जिसकी वजह से उनके पिता ने इनको क्रिकेट खेलने के खिलाफ हो गए थे। पर उनकी रुचि देखकर उनके माता के आग्रह पर इनको फिर से क्रिकेट खेलने की परमिशन मिल गई। वीरू 1997-98 में दिल्ली क्रिकेट में शामिल होकर अपने कैरियर की शुरुआत की। 1998 में इनका सिलेक्शन दुलेप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन क्रिकेट टीम में हुआ। तब इनका नाम कुल रनिंग लिस्ट में 5वें स्थान पर था, पर कड़ी मेहनत के बाद अगले साल इनका नाम रनिंग लिस्ट में 4थे स्थान पर आ गया। इसके बाद इनका चयन अंडर 19 की टीम में हो गया और 1999 में ही सहवाग को पाकिस्तान के खिलाफ चुना गया, लेकिन वो महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। सन 2000 में इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने का मौका नहीं दिया गया। लगातार असफलताओं के बाद 2001 में बहुत मेहनत की और बैंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला। 54 गेंदों में 58 रन बनाए तथा पहली बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया। यहाँ से इनके असली कैरियर की शुरुआत हुई, जिससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी भागीदारी दर्ज कराई, पर उन्होंने अपनी टीम दिल्ली के साथ खेलना नहीं छोड़ा। इसके बाद वीरू ने 2001 में श्रीलंका में अपनी सफलता का परचम लहराया, जब उन्हें ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए चुना गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर अपनी चोट के कारण नहीं खेल पा रहे थे। तब सहवाग ने महज 59 गेंदों में तूफानी पारी खेली और शतक बनाया। इसके बाद साल 2004 के प्रारंभ में मुल्तान में टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन बनाकर वीरू ने इतिहास रच दिया। इसके बाद हर दिन के साथ सहवाग का कद बढ़ता गया और साल 2008 में सहवाग ने सबसे तेज 13 शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बना डाला। वीरेंद्र सहवाग ने कुल मिलाकर 15 सालों से ज्यादा क्रिकेट खेला, लाखों दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया। उन्होंने टेस्ट में 23 शतक बनाए और वनडे में 16 शतक बनाए, जिसको देखते हुए सहवाग को 2002 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। 2008 में वेस्टर्न लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड अवार्ड मिला। 2010 में ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2010 में पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया। फिलहाल सहवाग भारतीय क्रिकेट के वो हीरा हैं जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। इन तमाम खबरों के साथ बने रहिए यस डाटा न्यूज पर।